नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, दोपहर को जो हमारी क्लास होती है वो इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए। इस क्लास में हमें क्या है, 25 क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं जो अलग अलग टॉपिक के होते हैं, यानी जो कि आपका सिलेबस है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी में इंग्लिश ग्रामर का, उसमें से क्या है क्वेश्चन जो आपका पैटर्नर है उसी हिसाब से 25 क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। तो आज ये हमारी पांचवी क्लास है, इससे पहले हमारी चार क्लासें हो चुकी है। आपके नंबर अभी धीरे धीरे सही आने शुरू हो गए हैं, यानी अभी जब आपकी स्टार्टिंग की क्लास थी तो आपके बहुत कम नंबर आए थे, अब मोस्टली स्टूडेंट के 18 प्लस 15 प्लस नंबर आराम से आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आपके क्या नंबर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें 25 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जो कि आपके सभी सब्जेक्ट से क्या है रिलेटेड है, यानी सभी टॉपिक से रिलेटेड है। सॉरी, तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको क्या फिल इन ब्लैंक करने हैं यानी टेंस के आधार पर। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ यू स्पेस मी आई वुड हैव अटेंडेड योर पार्टी। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, इफ यू स्पेस मी आई वुड हैव अटेंडेड योर पार्टी। ऑप्शन नंबर ए इनवाइट, ऑप्शन नंबर बी हैड इनवाइटेड, ऑप्शन नंबर सी इनवाइटेड, ऑप्शन नंबर डी विल इनवाइट। तो फिल इन ब्लैंक यानी आपको रिक्तस्थान भरना है, चारों ऑप्शन है वो आपके सामने हैं और जो भी सही है राइट है वो ऑप्शन उठा के इसमें फिलअप करना है। अपनी कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठा करो, क्या आएगा इसमें, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही जवाब है, हैड इन्वाइटेड आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हैड इन्वाइटेड आएगा। इफ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, द गर्ल्स स्पेस वॉलीबॉल फॉर 2 hours एंड दे हैव नॉट फिनिश्ड येट। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, द गर्ल्स स्पेस वॉलीबॉल फॉर 2 hours एंड दे हैव नॉट फिनिश्ड येट। ऑप्शन नंबर ए वर प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी प्लेड, ऑप्शन नंबर सी आर प्लेइंग, ऑप्शन नंबर डी हैव बीन प्लेइंग। तो इसमें क्या आना चाहिए वो आपको फिलअप करना है, इसमें से चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी ऑप्शन इसमें सेट बैठता है उसको जमा दे। इसमें क्या आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब हैव बीन प्लेइंग आएगा इसमें, द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग वॉलीबॉल फॉर 2 hours एंड दे हैव नॉट फिनिश येट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी वो अभी तक क्या खेल रही है, द लेव ऑफ द ट्री स्पेस ग्रीन इन स्पाइट ऑफ नो रेन दिस ईयर। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, द लेव्स ऑफ द ट्री स्पेस ग्रीन इन स्पाइट ऑफ नो रेन्स दिस ईयर। ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी आर, ऑप्शन नंबर सी वर, ऑप्शन नंबर डी वाज। क्या आएगा इसमें, जो भी इसमें फिट बैठता है उसको जमा दें, लगाएं एक बढ़िया सा तुक्का, देखते हैं किसका सही जाता है। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें आर, यानी द लीव्स ऑफ द ट्री आर ग्रीन इन स्पाइट ऑफ नो रेंट दिस ईयर, ऑप्शन नंबर बी जिसने किया है, अपने एक नंबर जोड़ें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इफ द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल दे स्पेस द मैच, इफ द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल दे स्पेस द मैच। ऑप्शन नंबर ए वॉन, ऑप्शन नंबर बी वुड हैव वॉन, ऑप्शन नंबर सी विन, ऑप्शन नंबर डी वुड विन। क्या आना चाहिए इसमें, जल्दी जल्दी सोचो और बताओ क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है, क्या ऑप्शन नंबर बी वुड हैव वॉन आएगा इसमें, इफ द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल दे वुड हैव वॉन द मैच, ऑप्शन नंबर बी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स बट नोबडी स्पेस इट येट। आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स बट नोबडी स्पेस इट येट। ऑप्शन नंबर ए ओपन, ऑप्शन नंबर बी हैज ओपन, ऑप्शन नंबर सी ओपन्स, ऑप्शन नंबर डी इज ओपनिंग। तो जो भी सही इसमें बैठता है उसको आपको बिठाना है, जल्दी जल्दी सही जवाब चुने और आगे बढ़े। आपको इंग्लिश के सेशन में कम से कम 15 से लेकर 18 के बीच नंबर लेके आने हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन है वो माना जाएगा कि कन्फर्म है।
अगर आपके नंबर 15 से कम आ रहे हैं या फिर 18 से कम आ रहे हैं, चलो 15 से मान के चलो आप कम आ रहे हैं, तो आप बहुत पीछे जा रहे हो। अब सोच लो आपको किस तरह की तैयारी करनी है। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, हैज ओपन आएगा इसमें। क्या आएगा, आई हैव बिन नॉकिंग द डोर फॉर 10 मिनट्स बट नो बॉडी हैज ओपन इट येट। ऑप्शन नंबर बी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल से संबंधित आपको फिलअप करने हैं। इसमें क्या है, ही हैज स्प्लिट स्पेस इंक ऑन हिज क्लॉथ्स, ही हैज स्प्लिट स्पेस इंक ऑन हिज क्लॉथ्स। ऑप्शन नंबर ए मैनी, ऑप्शन नंबर बी फ्यू, ऑप्शन नंबर सी एनी, ऑप्शन नंबर डी ए लिटल। क्या आना चाहिए इसमें, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आर्टिकल फिलअप करना आपको। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ए लिटल आएगा इसमें। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए सुना है, ही हैज अ स्प्लिट ए लिटल इंक ऑन हिज क्लॉथ्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है, ए स्पेस ऑफ स्पेक्टर्स चेयर्ड द प्लेयर्स। क्या है क्वेश्चन, ए स्पेस ऑफ स्पेक्टर्स चेयर्ड द प्लेयर्स। ऑप्शन नंबर ए स्टाफ, ऑप्शन नंबर बी क्राउड, ऑप्शन नंबर सी क्रू, ऑप्शन नंबर डी गैंग। क्या आना चाहिए इसमें, क्या आना चाहिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भरिए इसमें, आपको फिलअप करना है ब्लैंक। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, क्राउड, यानी ए क्राउड ऑफ स्पेक्टर्स चेयर इन द, क्या है, चेयर द प्लेयर्स। ऑप्शन नंबर बी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज टू स्पेस शुगर इन दैट ड्रिंक, देयर इज टू स्पेस शुगर इन द इन दैट ड्रिंक। ऑप्शन नंबर ए मच, ऑप्शन नंबर बी मैनी, ऑप्शन नंबर सी फ्यू, ऑप्शन नंबर डी ए लिटल। क्या आएगा इसमें, चार ऑप्शन में से अगर बात करें तो आपको जवाब देना है। क्या आएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, मच आएगा इसमें, टू मच, एंड देयर इज टू मच शुगर इन दैट ड्रिंक। ऑप्शन नंबर ए जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। दे हैव मेड हिम ए किंग, दे हैव मेड हिम ए किंग, आपको कन्वर्ट करना है। कीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन में अब की बार नहीं बोलूंगा, और आपको क्या देख के जल्दी जल्दी अगर आपको इसका तरीका पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको बेसिक रूल के रट्टे लगाने की जरूरत है, अगर आपने बेसिक रूल रट लिए तो आपके क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी ही हैज बीन मेड ए किंग बाय देम। ऑप्शन नंबर डी जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब है, ही हैज बीन मेड ए किंग बाय देम, इसका ये कन्वर्ट होगा, ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है, हु थॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, सॉरी टॉट है ये, हु टॉट यू इंग्लिश, बदलिए इसको पैसिव से एक्टिव से पैसिव में। क्या आना चाहिए इसमें, रोजाना अगर आप एक चैप्टर को आधा पढ़ते हो तो आप इंग्लिश को आराम से कवर कर जाओगे, साथ में अगर आप एक टेस्ट लगाते हो तो आपकी इंग्लिश इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन है वो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी जीके और हिंदी बहुत स्ट्रोंग है। मार खाओगे तो कहाँ पे खाओगे, इंग्लिश के पेपर में। तो उसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही जवाब है। बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, हु टॉट यू इंग्लिश का क्या कन्वर्ट होगा, बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, ऑप्शन नंबर जिसने सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन द सन ऑलवेज सेट इन द वेस्ट, सेट्स से, सॉरी। तो इसको ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना आपको, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चेंज कीजिए। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी चुना है बिल्कुल सही जवाब है।
द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है द स्ट्रेंजर सेट टू द बॉय कैन यू टेल मी द वे टू राजभवन। द स्ट्रेंजर सेट टू द बॉय कैन यू टेल मी द वे टू राजभवन। इसको आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसको चेंज करें और बताएं क्या आएगा इसमें सही जवाब। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? द स्ट्रेंजर आस्क द बॉय इफ ही कुड टेल हिम द वे टू राजभवन। ऑप्शन नंबर डी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है। द स्ट्रेंजर आस्क द बॉय इफ ही कुड टेल हिम द वे टू राजभवन, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स डिड द गाइड ब्रिंग यू राइट अप टू टॉप। क्वेश्चन को ध्यान से सुने। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स डिड द गाइड ब्रिंग यू राइट अप टू टॉप। बताए इसमें सही जवाब क्या आएगा? चार ऑप्शन में से आपको सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं क्या आएगा इसमें। देखिए आपको चार ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपके बेसिक रूल से सोल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग में बस आपको ये पता लगाना है कि किस जगह क्या आएगा, बस इतने में काम खत्म। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए में? द टीचर इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स वेदर द गाइड हैड ए कंडक्टेड देम राइट अप टू द टॉप। ऑप्शन नंबर ए जिसने किया बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है, अब आपको सिनोनिम्स बताने हैं। सिनोनिम्स बताने आपको, पहला है अब्रप्ट। अब्रप्ट का आपको सिनोनिम्स बताना है क्या आएगा। अब्रप्ट का सिनोनिम्स बताना आपको समानार्थी शब्द। पहले अब्रप्ट का आप देख लो मीनिंग क्या होता है। बात करें अब्रप्ट की, तो क्या होता है ये? आकस्मिक होता है। अब्रप्ट होता है आकस्मिक। क्या होता है? आकस्मिक होता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आकस्मिक, ठीक। इसका समानार्थी क्या होगा ये आपको बताना है। इग्नोरेट होता है, वो होता है अनजान। इंटरप्टर क्या होता है? इंटरप्टर होता है दुभाषिया। डिलीक्वेंट क्या होता है? डिलीक्वेंट होता है अपराधी। बचा स्टिप। स्टिप क्या होता है? स्टिप तो होता है खड़ी, ढलान की सीढ़ियों या फिर उड़ान का या फिर कोण होता है जो तेजी से बढ़ना या गिरना, लगभग लंबवत होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसमें क्या आएगा? स्टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब्सर्ड। अब्सर्ड इसका समानार्थी बताना आपको क्या होगा। अब्सर्ड का समानार्थी बताएं। बात करें अब्सर्ड की, अब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है? अब्सर्ड होता है बेतुका। क्या होता है? बेतुका होता है अब्सर्ड। अब्सर्ड होता है बेतुका। मैं लिख देता हूं यहां पे साथ साथ में कि अब्सर्ड होता है बेतुका, ठीक। और बेतुका का आपको समानार्थी बताना है क्या होगा। बात करते हैं वॉयलेंट की, तो वॉयलेंट होता है हिंसा करने वाला। रेडिकुलस होता है, रेडिकुलस क्या होता है? हास्यपद। फिर होता है प्लेजिंग, प्लेजिंग होता है मन भावन। और रस होता है जल्दबाज। तो क्या आएगा इसमें? अब्सर्ड का सिनोनिम्स क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। हास्यपद यानी रेडिकुलस आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है एग्री। एग्री होता है बात से सहमत यानी सहमत, किसी बात से सहमत होना एग्री होता है। और कंसाइंड क्या होता है? कंसाइंड ये होता है मेल खाना। फिर होता है वेज। वेज क्या होता है? अस्पष्ट होता है। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है? तुच्छ होता है।
और बचा क्या, इंडेक्वेट, ये क्या होता है, ये होता है अपर्याप्त। तो एग्री होता है सहमत, और सहमत की बात करें तो समानार्थी क्या होगा, कंसाइड। कंसाइड क्या होता है, मेल खाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बताने हैं सिनो एंटोनिम्स, ऑपोजिट बताने हैं, एंटोनिम्स बताने हैं आपको। चैफिंग, चैफिंग का आपको एंटोनिम्स बताना है, बताइए क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, बताएं क्या होगा। चैफिंग का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, चैफिंग होता है भूसा बोलते हैं वैसे चैप को। इसके अलावा चार ऑप्शन आपके सामने, बताएं क्या होगा। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या होता है, महंगा होता है। अचीविंग क्या होता है, प्राप्त करने वाला होता है। सीरियस गंभीर होता है। कैपिटलिस्टिक क्या होता है, पूंजीवादी होता है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा आपका, सही जवाब बताना आपको। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, सीरियस, सीरियस आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ट्रेजिक, ट्रेजिक का आपको उल्टा बताना है, ऑपोजिट बताना है। ट्रेजिक का क्या होगा, वैसे ट्रेजिक तो होता है दुखद, क्या होता है, दुखद होता है। दुखद का आपको बताना है उल्टा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, फनी, फनी क्या होता है, मजाकिया होता है वैसे, मजेदार होता है। उसके बाद है कॉमिक, कॉमिक क्या होता है, हास्य होता है। लाइट, लाइट क्या होता है, रोशनी, या फिर हल्का ही बोल देते इसको। फिर है अमर्स, अमर्स क्या होता है, विनोदी होता है, विनोदी। तो दुख्त का होता है हास्य, और हास्य होता है कॉमिक। ऑप्शन नंबर इसमें बी आएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक्सोडस, एक्सोडस का आपको बताना है ऑपोजिट क्या होगा। एक्सोडस का ऑपोजिट बताना है, चार ऑप्शन में से चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताएं एक्सोडस का ऑपोजिट क्या होता है। वैसे एक्सोडस होता क्या है, ये पलायन होता है, यानी लोगों का एक सामूहिक प्रस्थान होता है। ए मास डिपेंचर ऑफ पीपल, यानी लोगों का सामूहिक प्रस्थान होता है। ऑप्शन नंबर एक क्या है इसमें, रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन क्या होता है, मरम्मत करना। फिर है रिटर्न, रिटर्न होता है वापसी। फिर है होमकमिंग, होमकमिंग क्या है, घर में आना वापस, यानी घर में आना। और फिर क्या है इन्फ्लेक्स, इन्फ्लेक्स क्या है, जो बड़े लोगों में या फिर बड़ी चीज़ों का आगमन या प्रवेश, यानी आमद। तो इसमें सही जवाब होगा आपका, इन्फ्लेक्स आएगा इसमें। एक्सोडस होता है बड़ी मात्रा में क्या है, पलायन करना लोगों द्वारा, और इन्फ्लेक्स होता है वो क्या है, भारी मात्रा में वापिस आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है प्रिवेंट, परिवेंट का आपको अपोजिट बताना है क्या आएगा इसमें। परिवेंट का अपोजिट क्या आएगा बताएं, परिवेंट होता है रोकना या फिर अवरोध करना। परिवेंट क्या होता है, अवरोध करना मान लो, चीज रोकना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक्साइट, एक्साइट होता है। फिर है स्पोर्ट, स्पोर्ट होता है सहयोग। फिर होता है इंसाइट, उत्तेजित। फिर होता है इन्वाइट, आमंत्रण। ठीक, तो इसमें क्या आएगा आपका, परिवेंट का अवरोध होता है, तो स्पोर्ट का होता है सहयोग करना। ऑप्शन नंबर इसमें बी आएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब है, परिवेंट का स्पोर्ट होता है, ध्यान रखना उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है, क्या है, पोसेजिंग अनलिमिटेड पावर्स, पोसेजिंग अनलिमिटेड पावर्स का क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ओमनी साइंट, ओमनी पोसेंट क्या है, ओमनी पोटेंट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओमनी प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओमनी कॉम्पोटेंट। तो चारों में से आपको बताना है क्या होगा। वैसे हिंदी में बता दूं मैं आपको, जो ये पोसेजिंग अलिमिटेड पावर है क्या है, ये क्या है, असीमित शक्ति रखने वाला होता है, असीमित शक्ति रखने वाला होता है। और इसका जो वन वर्ड आएगा क्या आएगा, वो होगा, वो होता है सर्वशक्तिमान, वो होता है ओमनी पोटेंट। क्या होता है, ओमनी पोटेंट। ऑप्शन नंबर बी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है,
असीमित शक्ति रखने वाला क्या होता है? सर्वशक्तिमान होता है, और सर्वशक्तिमान होता है, ओमनीपोटेंट होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन, ही इज ए डॉक्टर हु इज ए स्पेशलिस्ट इन स्किन डाइजेज, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो क्या है, त्वचा रोगों का विशेषज्ञ हो। ही इज ए डॉक्टर हु इज ए स्पेशलिस्ट इन स्किन डाइजेज, तो इसमें क्या आएगा चार ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट है, फिर फिजिशियन है, फिर ड्रामाटोलॉजिस्ट है, फिर फिजिस्ट है, तो सही जवाब क्या आएगा इसमें, क्या होता है त्वचा से संबंधित जो त्वचा रोग का विशेषज्ञ होता है क्या कहलाता है वो, डर्माटोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 23 नंबर में आपको फिल इन ब्लैंक पढ़ने हैं, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। द बुक्स विच स्पेस सोल्ड हेयर आर ओल्ड, आर ऑल ओल्ड वंस, क्या आएगा इसमें, द बुक्स विच स्पेस सोल्ड हेयर आर ऑल ओल्ड वंस, ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी डज, ऑप्शन नंबर सी आर, ऑप्शन नंबर डी विल, तो इन चारों में से क्या आएगा, चारों में से क्या आएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी में है आर, यानी द बुक्स विच आर सोल्ड हेयर आर ऑल ओल्ड वंस, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच इज मोस्ट पॉपुलर, याद फिर इसमें क्या स्पेस नहीं है, इसको भी क्या है छोड़ दो एक बार, ये कल की तरह ये भी क्या है गलत हो गया, इसमें क्या स्पेस नहीं है। फिर है 25वां, ए हैंडफुल ऑफ स्ट्राइकर्स स्पेस अगेंटिंग, क्या आएगा इसमें, ए हैंडफुल ऑफ स्ट्राइकर्स स्पेस अगेंटिंग, क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए वर, बी हैड, सी वाद, डी हैड, क्या आएगा इसमें, तो इन चारों में से क्या आना चाहिए इसमें, चारों में से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा वर, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए किया बिल्कुल सही जवाब है। तो ये तो थे हमारे आज के इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाए हैं। अब आपका काम बचता है इन 25 नंबर में से आपके कितने आए वो आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। दूसरी बात, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो अगर पसंद आती है तो। तीसरी बात, शेयर भी किया करो, साथ में ये भी बताया करो कि वीडियो कैसी लगी आपको, कोई गलती हो तो वो भी बता दिया करो, वो क्या नेक्स्ट वीडियो में आपको सही करवा दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और साथ में क्या बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।